कोरोना संकट को बढ़ता देख अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण के फैलाव पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस का पीक पर आना अभी बाकी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि दिल्ली मुंबई में कुछ हॉटस्पॉट इलाके हैं, उन्हीं इलाकों में हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। पूरे देश में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। देश के 10 से 12 ऐसे शहर हैं जहां पर लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा है। 70-80% केस वहीं से सामने आ रहे हैं। अनलॉक के बारे में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, लेकिन केस एकदम से कम भी नहीं हुए। ऐसे में गरीबों की मदद के लिए लॉकडाउन को खोलना भी कहीं ना कहीं जायज है। लॉकडाउन खुला रहा है तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। ऐसे में लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। बेड और वेंटिलेटर्स का ख्याल रखते हुए हमें प्लानिंग चेंज करनी होगी। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, उन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि हमने देखा है कि माइल्ड पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास VIP पेशेंट ही नहीं है, हम सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर किसी में कोई लक्षण नहीं है तो हम उसका कैसे टेस्ट कर सकते हैं। दिल्ली में केवल दिल्ली के मरीजों के इलाज पर ही उन्होंने कहा कि जो लोग बीमार हैं वे सब लोग भारत के ही नागरिक हैं। जो NCR में रहते हैं उन्हें बाहर के राज्यों में सुविधा नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में मिल रही है तो हमें उनकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी आज फैसला किया है कि दिल्ली के राज्य सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली में रह रहे लोगों का ही इलाज किया जाएगा और दिल्ली में वे लोग जो बाहर के हैं, दूसरे राज्यों के हैं, उनका इलाज केवल केंद्र शासित अस्पतालों में ही किया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंग के साथ। थैंक यू।